हेलो एवरीवन, अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर क्विक एडिट का जो ऑप्शन है उसके हवाले से बताऊंगा कि क्विक एडिट का ऑप्शन है क्या और ये करता क्या है। उसके लिए हम लोगों को दोबारा अपनी पोस्ट या पेजेस जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, इन दोनों में से उनको ओपन करें। मैं पोस्ट पे जाता हूँ और ऑल पोस्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के ऊपर हवर करेंगे तो साथ ही नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश और व्यू। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी डिटेल एडिटिंग पे चले जाएंगे, लेकिन वर्डप्रेस हम लोगों को जो टूल प्रोवाइड करती है क्विक एडिट का, वो ये कि हम इधर ही स्टैंड बाय पे रहें और क्विक एडिट पे क्लिक करके जो छोटे मोटे चेंजेस जो हैं हम लोग जो उसके अंदर करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं वाई वी टेक पिक्चर्स की बजाय वाई वी टेक पिक्चर्स के बजाय हम लिख देते हैं वाई वी टेक, नहीं पिक्चर्स ही सही है, बल्कि बस ये कह देते हैं, मैं इसको स्मॉल केस पे लिख देता हूँ। उसके अलावा अगर मैं इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहूँ तो वो भी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, न्यूज़ पे जाना चाहूँ वो कर लूँ, फोटोग्राफी इसकी डिफॉल्ट है इस पोस्ट की, या अनकैटेगराइज करना चाहूँ। उसके अलावा टैग्स इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फिलोसफी और फोटोग्राफी कर देता हूँ, आइडियल फोटोग्राफी कर देते हैं हम लोग, फोटोग्राफी PHY। सो इसके अलावा स्टेटस है वो पब्लिश है, ब्रांडिंग रिव्यू भी करना चाहे वो कर सकते हैं, ड्राफ्ट यानी कि जो हम लोगों को उसी जगह पे रहते हुए जो कुछ मेन एडिटेड टूल्स हैं वो हम लोगों को वो जो है क्विक एडिट टूल जो है वो प्रोवाइड करता है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, अब वो जो है अपडेट हो गई है। आपने देखा कि इसका नाम वाई वी टेक स्मॉल पिक्चर्स हो गया, मतलब पिक्चर्स स्मॉल हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।